की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले जमुना मैया की जय, बोले सरयू माता की जय, बोले भारत माता की जय, बोले गऊ माता की जय, बोले तपेश्वरी माता की जय, बोले मनसा माता की जय, कामाख्या माता की जय, मीनाक्षी माता की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले बजरंग बली बाबा की जय, श्री परमेश्वर शेरा वाली माता की जय, श्री परमेश्वर ज्योता वाली माता की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्ची सरकार की जय, सभी का अभिनंदन वंदन कर रही हूँ। जितने लोग बैठे हुए हैं सभी का स्वागत अपनी ओर से, सभी का वंदन अपनी ओर से, और जो हमारे माइक पर दादाजी बोल रहे थे उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और धन्यवाद दे रही हूँ बहुत ही सुंदर साउंड व्यवस्था जिनके माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, रात भर जिनके माध्यम से हम दोनों कलाकारों की आवाजें आप लोग सुनेंगे। बिल्कुल मेरे साहू साहू साउंड सर्विस के हमारे बहुत अच्छे ऑपरेटर भैया को भी हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत सुंदर साउंड व्यवस्था है आपकी। साहू छा गया। जैसा दो ही तो साहू हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले बाबा गणेश का आवाहन किया जाता है। बिल्कुल। तो आइए, कह रही हूँ बाबा गणेश के दरबार में क्या बेटे, और अभिनंदन कर रही हूँ इस कार्यक्रम को। आप लोग आगे भी सुन पाएंगे जो हमारे आदरणीय दादाजी खड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए। आपका भी अभिनंदन मेरी ओर से। दादा को एक कुर्सी पहुंचा दी जाए। कहना है बाबा गणेश के दरबार में कि वक्र तुल्य महाकाल सूर्य कोटि सम प्रभा तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीरावर दंड वल्लित करा या श्वेत पद्मासना या प्रपाचतु शंकर प्रभृतिभिर् सदा वंदिता सा बाप पात सरस्वती माँ भगवती नीश
कहना है बाबा गणेश के बाद सभी लोग जानते हैं कि हर कलाकार माँ वीणावादिनी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है। आइए चल रही हूँ सीधा माता रानी के दरबार में। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। कहना है माता रानी से माँ आ तो गई हूँ तुम्हारे दरबार में मगर के अभी तक गजब चल रहा तो गजब छा गया। के करम निगाह का बसे इशारा दे दे और मैं बेसहारा मां मुझको सहारा दे। क्योंकि कहना है मां अरे खाली फरियादी ना फरियाद लेके लौटा है। कौन जाने कौन किसके पास लेके लौटा है। अरे अमर भक्तों ने सिर्फ इतना ही बताया मुझको कि मांगने वाला हर मुराद लेके लौटा है। और जब मांगने वाला हर मुराद लेके लौटा है तो आइए चल रही हूँ माता रानी के दरबार में और कहना है माता रानी से ये दरबार सजा हुआ है, प्रांगण सजा हुआ है। कह रही हूँ माता माता क्योंकि कुछ पंक्तियां ऐसी हैं बंबई वालों की जो किसी वंदना से कम नहीं मिलती है। गाया है बंबई वालों ने। क्या गाया बेटे मुंबई वालों ने। अरे सीता के बिन राम अधूरा Yeah!
श्याम अधूरा तो एक नाम बिन काम अधूरा, अरे एक नाम बिन काम अधूरा। तो और नहीं कुछ तुम उसे कहना, और नहीं कुछ तुम उसे कहना, तो जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी हर साथ भैया ने कितना सुंदर सम्मान किया है, सुंदर सी पगड़ी है, साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। हमारे विजय भैया, विजय स्टूडियो लखनऊ, आपकी ओर से ये सुंदर सा सम्मान किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे विजय भाई के लिए आप लोग बजाते हैं। माता रानी से आप सब लोग लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, वाह कहना क्या कि और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, तो जीवन साथे जीवन साथे जीवन साथी हर साथ यही फोटो डालिएगा। धन्यवाद है बड़े भैया को। कह रही हूँ माता रानी से, माँ वैसे तो कर कर में वास निवास मिलता है भैया का, मगर मैं कह रही हूँ माँ, अरे रस बल्ली बात आपको बता रही हूँ।
जब कभी भी पगड़ी सर पर रख देता है कोई इंसान तो बस मन में एक ही फीलिंग आती है कि हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। बिल्कुल बेटे, सुनिएगा कहना है क्या? अपने आप को जोश आने लगता है। माता रानी से माँ माँ, अरे रसवंती रस भार में मिलती, ये माँ अरे राग यमन मल भार में मिलती, राग यमन मल भार में मिलती, तो राग यमन मल भार में मिलती। और ये माँ अरे पतझड़ और बहार में मिलती, के बीड़ा के हर तार में मिलती, बीड़ा के हर तार में मिलती, बीड़ा के हर तार में मिलती, तो बीड़ा के हर तार में मिलती। और कह रही हूँ माँ ब्रह्म आत्मा वीरावादिनी हो, ब्रह्म आत्मा वीरावादिनी हो, तो स्वर में रमती, स्वर में रमती, स्वर में रमती, मस्वर दायनी रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। और देखिए क्या कहना है माता रानी से, क्योंकि रात भर कलाकार चाहे तो रात भर माँ की वंदना हो सकती है। समय हो गया है इसलिए समय को देखते हुए वंदना की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ और कह रही हूँ, अरे आचल में, आचल में पग में तो ये अनजान कह रही है माँ, अरे करती रोशनी माँ तमनाशिनी हो, करती रोशनी माँ तमनाशिनी हो, तो स्वर में रमती, स्वर में रमती, स्वर में रमती, स्वर दायनी, स्वर में रमती, स्वर दायनी।
सरस्वती मैया की जय। तर्ज बजी है कौन से, और निवेदन आप लोगों से कर रही हूँ, अगर ना समझ में आए तो इशारा करिएगा आप लोगों से। सचिन भैया उधर बात चल रही है कि आवाज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको भी देख ले। गाया है बम्बई वालों ने, क्या गाया बेटे मुंबई वालों ने, बोलो बेटे बोलो, बता रहे हैं। छोटे भैया सचदेवा शरारती जी गाया है बम्बई वालों ने, और जिस दिन तेरी मेरी नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिल नहीं गुजरता बात नहीं होती। आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है, धन्यवाद है, ना आए तो बता दीजिएगा कहना। दिल नहीं गुजरता बात नहीं होती, तो नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। बम्बई वालों ने गाया है, गाया बेटे, नहीं लगदा दिल अरे तेरे बिना, नहीं Thank you.
हमारे सचिन भैया की दादी माँ पद्मा देवी जी की ओर से, और जब भैया की दादी है तो मेरी भी दादी हुई, हमारी दादी माँ की ओर से ये सुंदर सा पुष्पमाल अंगवस्त्र और साथ में 501 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग दादी माँ के लिए, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, छोटे भैया ये तो तर्ज हो गई है, सुनिएगा मेरी बात क्या कह रही है। बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, सभी लोगों ने सुनी है, कहना है। पहला गीत आपकी सेवा में, अरे तीन ही मग में माप लिया, हमारे आदरणीय सम्मानी पत्रकार सुरक्षा महासमिति के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानी बड़े भैया गुड्डू मिश्रा जी, अवध की आवाज हिंदी दैनिक समाचार उन्नाव ब्यूरो, आपका आशीर्वाद भी मिला है और आपके यहाँ प्रोग्राम करने का अवसर भी मिला है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग हमारे गुड्डू भाई साहब के लिए बजा दें। धन्यवाद है, सुनिएगा, सुनाइएगा, कहना। छोटे भैया ईश्वर ने किया क्या, अरे तीन ही पग में माप लिया, जब तीनों लोक लुभावल, तीन ही पग में माप लिया, और जब ऐसा हुआ हुआ बेटे तो आज जैसा कि धनतेरस सभी लोग मना भी रहे हैं, अब तो हर त्योहार दो दो दिन का हो गया है। मेरी बात कह रही है, अरे तीन दिवस की मिली दिवाली, जग में सुखद सुहावन, सुनिएगा। नरकासुर का वध हुआ तब दीपावली हो गई, भगवान राम अयोध्या वापस आए तब दिवाली हो गई, हिरण्यकश्यप का वध हुआ तब दीपावली हो गई, मगर मगर अरे तीन दिवस की मिली दिवाली, जग में सुखद सुहावन, तो जग में सुखद सुहावल। मेरी बात कह रही है, अरे सागर मंथन युक्ति कर,
सागर मंथन युक्ति कर निकाली ना होती। वाह बेटे, अगर सागर मंथन की युक्ति ना निकाली गई होती तो सागर मंथन युक्ति कर निकाली ना होती तो छोटे भैया दिवाली भी इतनी वैभवशाली न होती। बेटे क्या बात है भाई, वाह। आज जो घर घर दिए जले, अगर सागर मंथन की युक्ति ना निकली होती तो दीपावली में इतनी चमक नजर नहीं आई होती, इतनी रोशनी नहीं होती ना बेटे। कहने का ये मतलब है, सुनिएगा। अरे सागर मंथन युक्ति कर निकाली न होती, दिवाली भी इतनी वैभवशाली न होती। तो मेरी बात कह रही है, अरे लक्ष्मी कुबेर धनवंतरी, लक्ष्मी कुबेर धनवंतरी, जिनकी वजह से ये धनतेरस चल रहा है, सुनिएगा। अरे लक्ष्मी कुबेर धनवंतरी के सम्मान के बिना और मिलती ना श्री सबको श्रीमान के बिना। वाह बेटे, क्योंकि सारा काम तो श्री का है। अगर मंथन ना होता तो श्री नहीं आती, और अगर श्री नहीं आती तो गाड़ी कैसे चलती। शाबाश, इसलिए मेरी बात कह रही है, मिलती ना श्री सबको श्री मान के बिना, मिलती ना श्री सबको श्री मान के बिना, मिलती ना श्री श्री मान के बिना। छोटे भैया, अरे घर घर में आई खुश हाली न होती। अगर ऐसा ना होता तो घर में खुशियों के दीप नहीं जल रहे होते। तो मेरी बात कह रही है, अरे घर घर में आई खुश हाली न होती, दिवाली भी इतनी वैभवशाली न होती। तो मिलती ना श्री सबको श्रीमान के बिना, और मिलती ना श्री सबको श्रीमान के बिना, मिलती ना श्री सबको श्रीमान के बिना, मिलती ना श्री सबको श्रीमान के बिना। और ये हमारे आदरणीय सम्मानी भैया कृष्ण बिहारी दुबे जी बंथर उन्नाव से आप आए हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बार बार भैया को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। दूसरी बात सुनिएगा छोटे भैया, मेरे गीत में जो भी है बिल्कुल साफ साफ आप सभी को समझ में आ रहा है, सुनिएगा। सुनाइएगा और क्या मिला क्या? अरे नर प्रकरण रावण मरण में, सुनिएगा क्या मिल रहा है। निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से भी, अरे लड़ प्रकरण रावण मरण में कपिवर बने सहारा, लड़ प्रकरण रावण मरण में कपिवर बने सहारा। कैसे कैसे?
अरे नवजीवन मिला लक्ष्मण को, नवजीवन मिल रहा है। अगर हनुमान जी संजीवनी ना लाते तो शायद लखनलाल बच नहीं पाते। तो मेरी बात कह रही है क्या? अरे नवजीवन मिला लखनलाल को संजीवन के द्वारा, संजीवन के द्वारा, संजीवन के द्वारा। और छोटे भैया अगर लखनलाल बच नहीं पाते तो दीपावली नहीं मनाई जाती। सुनते जाना। तो मेरी बात कह रही है संजीवन के द्वारा, तो हर की हर पिपता अमर, सुनना, अरे हर की हर पिपता अगर, हर यानी भगवान राम जो विष्णु के अवतारी है, सुनिएगा, और हर हर के अवतारी है बाबा बजरंगबली। तो मेरी बात कह रही है कि हर की हर पिपता अगर, अरे टाली ना होती है दिवाली भी इतनी वैभवशाली न होती। वाह बेटे, क्यों क्यों, अरे मिलती ना खुशी सबको, मिलती ना खुशी सबको भगवान के बिना। अगर भगवान ही खुश नहीं होते तो हम लोग कैसे हो जाते हैं? इसलिए कह रही हूँ कि मिलती ना खुशी सबको भगवान के बिना, और होती ना दिवाली तब से हनुमान के बिना। कारण आपको तमाम मिल जाएंगे दीपावली के, कहीं कन्हैया की वजह से हो गया, कहीं उनका जन्म हो गया तो ऐसा हो गया, मगर जो मैं कह रही हूँ उसमें थोड़ा विचार जरूर करिएगा। तो होती ना दीवाली तब से हनुमान के, होती ना दीवाली तब हनुमान के, होती ना देखा। कारण तमाम हो गए हैं मगर, अरे गिरवर गोवर्धन को कपिवर, यदि गोकुल, यदि गोकुल में ना लाते, कथानक सुन लेना, कथा को समझते रहिए। आदरणीय जनता जनार्दन से भी निवेदन कर रही हूँ कि गिरवर गोवर्धन को कपिवर कर गोकुल में ना लाते। और अगर गोवर्धन हनुमान जी गोकुल में ना लाते तो किसे उठाते हरी उंगली पर, आप लोग विचार करिए, अरे किसे उठाते हरी उंगली पर, और कौतुक क्या दिखलाते, कौतुक क्या दिखलाते, कौतुक क्या दिखलाते। अगर हनुमान जी वो पर्वत ना लाते तो कन्हैया किसको उंगली पर उठा लेते। तो मेरी बात कह रही है, अरे कौतुक क्या दिखलाते। इसलिए कह रही हूँ छोटे भैया, अरे रघुवर ने पूजन विद्या, सुनिएगा, अरे रघुवर ने पूजन विधा डाली न होती। नोट करना, मैंने पहले ही बता दिया कि आनंद तमाम मिल जाएंगे। आजकल अगर किसी का लड़का नहीं होता, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, और हो जाए सात आठ लड़कियों के ऊपर तो लोग दिए जला लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी दीपावली हो जाती है। मगर मेरी बात कुछ और चल रही है, सुनना। अरे रघुवर ने पूजल विधा डाली न होती तो,
अन्नकूट पूजा जग में, अन्नकूट पूजा जग में अरे आली न होती। तो मेरी बात कह रही है क्या? और अरे गणपति गुड़ी गुड़ नायक, अरे गणपति गुड़ी गुड़ नायक गुणवान के बिना, यही कारण है होती ना दिवाली हनुमान के बिना, होती ना दिवाली हनुमान के हमारे। हम कहे दादा पैसे लेने आ गए क्या? पर्चा तो साथ में दिया है, फिर क्यों खड़े हो गए? आरणी गुप्ता टेलीकास्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पंथर प्रोपराइटर जीतू गुप्ता जी की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रही हूँ गुप्ता जी को। हमारे भैया दिलीप यादव जी पेप्सी होटल वाले, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बार बार दिलीप भैया को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। माता रानी कल्याण करे, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। और विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भैया आदरणीय सम्मानित राम कुमार गुप्ता जी, आकाश ढाबा गहरा उन्नाव, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। आकाश भैया को भी हृदय से धन्यवाद है। लाला यादव जी मोरंग गिट्टी वाले आजाद मार्ग, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। लाला भैया को भी हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। कारण ये है, हमारे विद्वान जन बैठे हुए हैं, आपको पता होगा कि लक्ष्मी गणेश पूजन में बाबा बजरंगबली का भी स्थान लगाया जाता है। अगर कुबेर जी का स्थान होता है तो बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लोग जानते होंगे कि हनुमान जी का भी स्थान सजाया जाता है। इस कलयुग में सुनिएगा, एक स्थान ऐसा मिला। कैसा? मेरी बात कह रही है क्या? कथा को ध्यान में रखते हुए सचदेवा जी, अरे गोबर धन गोबर का बना कर, समिति पंथर उन्नाव भैया विजय कुमार प्रधान जी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधान जी को मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। दिलीप यादव जी पेप्सी कंपनी वाले भैया की ओर से, हमारे दिलीप भैया की ओर से बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार फिर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। दिलीप भैया को हृदय से धन्यवाद है। चंद्रशेखर आजाद अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बैठा होला तुम बस। चंद्रशेखर मिस्त्री जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। क्या बात है, ऐसी हालत में भी आपको मेरा गीत याद है, उसके लिए धन्यवाद है। जिसको कह रहे हैं कि वो वाला गीत गा दीजिएगा जो आप वहाँ गा के आई है। जिसको बुलेट की रिपेयरिंग करानी हो मिस्त्री साहब से मिल ले। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय निवेदन कर रही हूँ आदरणीय दादा लोगों से, अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा। गुड्डू भैया आप भी पंक्तियाँ सुने, कहना है क्या?
पर गोवर्धन गोबर का बनाकर उस पर दीप जलाते। आप लोगों को ये मालूम होगा गोवर्धन बनाया जाता है गोबर का। छोटे भैया आज भी वो परंपरा जारी है, उस पे दीप जलाया जाता है और के गोबर के लांगुरिया नच, गोबर के ही लांगुरिया बनाया जाता है और लांगुर वीर वो कोई और नहीं स्वयं बाबा बजरंगबली। जय हो। तो गोबर के लांगुरिया रच पूजन स्थल पर लाते, गोबर के ही हनुमान जी बनाए जाते हैं। आज भी वो परंपरा चली आ रही है, दीप चल रहा है तो मेरी बात कह रही है। अरे पूजन स्थल पर लाते तो छोटे भैया, अरे सोने की लंका जल कर, अरे सोने की लंका जल कर काली ना होती। सुनना सुनना बेटे, सोने की लंका जल कर काली ना होती तो दशहरा न होता दिवाली न होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। दिवाली न होती, सोने की लंका अगर काली न होती दशहरा न होता दिवाली न होती। तो मेरी बात कह रही है छोटे भैया, अरे होती ना कथा अनुपम, होती ना कथा अनुपम अंशुमान के बिना। और इसीलिए मैंने कहा है कि होती ना दिवाली हनुमान के बिना, होती ना दिवाली हनुमान के बिना, होती ना दिवाली बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्ची सरकार की जय। और ये मेरी ओर से पहला चक्र यहीं पर पूर्ण हो रहा है।